कवि से गुफ्तुओं का नेक्स्ट एपिसोड अगला एपिसोड में है अजंता देव के साथ बातचीत अशोक पांडे जी की अजंता देव जयपुर स्थित लेखिका एवं कवियत्री हैं और उन्होंने भारतीय शा, शास्त्रीय संगीत और कथक में भी शिक्षा शिक्षा पाई है पिछले 40 सालों से वो हिंदी साहित्य से के साथ जुड़ी हुई हैं और अब तक उनके चार काव्य ग्रंथ और एक उपन्यास प्रकाशित हुए हैं अशोक पांडे लेखक हैं अनुवादक हैं और उन्हें यात्रा करना पसंद है उन्होंने एक काव्य ग्रंथ लिखा है और यात्रा वर्णन की कई सारी किताबें भी लिखी हैं उन्होंने कई अंग्रेजी रचनाओं का हिंदी में और हिंदी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया है आ, वे कवाड़खाना बोल के एक, एक आ, नाम से एक ब्लॉग चलाते हैं जहां हिंदी रचना के बहुत सारे आ, साहित्य के बहुत सारे चीज मिल सकते हैं और उनके लप्पू झन्ना नाम से जो उपन्यास निकला है प्रकाशित हुआ है इस साल में उसकी अभी फोर्थ एडिशन फोर्थ एडिशन फोर्थ एडिशन में है वो तो अशोक और अजंता आपका बातचीत का पेट है के शेर से शुरू करता हूँ जी अल्लाह करे मीर का जन्नत में हो मकान मरहूम ने हर बात हमारी ही बयां की इसके बाद मर्फी पर आता हूँ मर्फीज़ लॉ मर्फी के लॉज आप जानती हैं सारे मर्फीज लॉ की वो जो ट्रिविया होता है कि आप टिकट की लाइन में लगे जिस लाइन में लगे वो लाइन में टिकट देने वाला कहीं चला गया चला गया बगल की लाइन ख़त्म हो रही आपकी लाइन रुक गई डबल उठिया मक्खन लगाया नीचे गिर गई तो मक्खन वाला हिस्सा जमीन पर लग गया एक सारी नियमों को मर्फीज़ लॉ करके नाम दिया गया मर्फी का एक सबसे मर्फी को था नहीं बाय नो मर्फी बनाया हुआ एक आदमी है तो मर्फी एक नियम है कि आ, वो कहता है कि इज रेमपेंट एंड ट्राइमपेंट एवरीवेयर रेमपेंट और ट्रायमफ्रेंड जीत भी हो रही है और संसार में हर आदमी इस जद्दोजहद में है कि वो दुनिया का सबसे मीडियोकर मीडियोकर बन जाए <laughs> आपको एक कवि के रूप में एक मनुष्य के रूप में इस मीडियोक्रिटी से कितना भय लगता है शुक्रिया अशोक जी क्योंकि मैंने पहला शेर यूं सुनाया कि इब्ने शाह मीर बनना चाहते थे हाँ। तो उनका वो मॉडल था वो मॉडल था मर्फी भी भी। का मॉडल फिर मीडियो कर मीडियो कर वाला इसलिए मैंने माफ कीजिए हाँ तो आ, मैं समझती हूँ कि मेरा जो मॉडल है वो इब्ने इंशा वाला है मैं मीर ही बनना चाहती हूँ तो जब आप ये पूछ रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मीडियोक्रिटी से मुझे आप ये समझें कि बचपन से बहुत डर रहा है मैं मीडियोकर लोगों के बीच में घिरी हुई थी मेरा जो बचपन था मेरा बचपन जहाँ गुजरा वहाँ पर ज्यादातर मीडियोकर लोग थे और शायद आ, कविता या कला उसी ने मुझे आ, इस बात की शक्ति दी कि मैं उन जैसी ना बनूं ये मतलब एक बेसिक बात थी मेरे लिए फिर जैसे मिजा खिटी के साथ साधारणता बहुत जुड़ी हुई है कि बहुत साधारण होती साधारणता होती जी लेकिन जैसे अभी देवी भाई बोल रहे थे कि आ, अजय जी ने सवाल पूछा कि कविता में साधारणता ट्रिविया खूब सारा आ रहा है, हाँ, हाँ, है। जी, जी. पर भात पर गिरा तो वो क्या या नाक पर लिखते थे कि खर्राटे ले रही नाक जिनकी कविता है नाक पर की हस्ती की इस पे पहरी को यूं ही बजाते रही हो मौला नाक बनी रहे आखिर तक साफ और निष्कंप बस एक चार पंक्ति में अब ये मीडियोक्रिटी और साधारणता में कैसे फिर भेद किया जाए और ये हाँ ये भेद जो है मेरी मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा का सारा जो खेल है वो कवि की नज़र का है नज़र कभी भी मीडियोकर नहीं हो सकती अगर कवि की नज़र है तो वो मीडियोकर की नज़र नहीं होगी वही चप्पल पर भात अगर एक मीडियोकर नज़र देखेगा तो उसे एक दृश्य तो साधारण है लेकिन उसे अगर वीरेन्द्र जी देख रहे हैं तो वो निश्चित रूप से वीरेन जी की जो नज़र है जी। वो चाहे हमको उनके उनके संरचना में उनकी कविता की भाषा के चयन में हो सकता है हमें लगे कि उन्होंने बड़ी सरल बात कही है लेकिन वही बात है वही जो कवि की नज़र है वो कभी भी अगर सच्चा कवि है तो वो मीडिया कर नज़र उसकी नहीं हो सकती जी मैंने आपसे फिर कहा क्या आपको इस मीडिया डर लगता है हाँ बिल्कुल डर लगता है बिल्कुल डर लगता है और रोज़ाना डर लगता है मैं जब आ, कभी भी किसी कविता को आ, लिखने का सोचती हूँ तो ये जो कश्मकश है कि देखिए क्या है कि जब मैं युवा थी और उस समय का जो दौर था कविता का तो वो ये था कि प्रगतिशील कवि वामपंथी नज़र और वामपंथी नज़र में भी मुझे बड़ा घालमेल लगता था मेरी परवरिश जो हुई वो संगीत कला बांग्ला रविंद्रनाथ और नृत्य में अगर कहें तो जो नृत्य नाटिकाएं रविंद्रनाथ ने वो, वो सब मैं करती भी थी मंच पर तो इन सारे सारी चीज़ों के बीच में मैं ये जो सरल हो या साधारणता का गायन हो और उसमें मीडियोक्रिटी से बचना हो ये लगभग मेरे सामने हमेशा ही एक चुनौती रही और वो अब भी है जब भी मैं कुछ कविता लिखने की कोशिश करती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं मैं उस जोन में न चली जाऊँ मुझे कहीं उस जोन से बचने के लिए हाँ निश्चित रूप से मुझे प्रयास करने पड़ते हैं एक आपकी छोटी सी कविता मैं सुनाता हूँ जी और इसी बात को आगे ले जाते हैं आपकी कविता है आ, राग बिहाग राग बिहाग संगीत का आप जी।, जी राग बिहाग में आप कहती हैं कि पहले से ही उड़ना था मुश्किल जबकि हवा थी विरल दिशा थी सरल और अब यह शाम यह अकेले झुंड से अलग कांपते से छोटे शरीर को साधना क्या हूँ इस अनंत आकाश में कैसा लग सकता है मैं एक पक्षी काले में गुम होता एक काला धब्बा मैं ही हूँ जिसके पर नोचे गए रामचरित मानस में मैं ही हूँ जिसे तीर मारा राजकुमार ने मैं ही हूँ जिसे घायल होकर गिरना है पृथ्वी पर देखते हुए लगातार पास आती धरती फड़फड़ाते हुए भारी होते दो पंख इस कविता के परिप्रेक्ष्य में मैं एक अपने बड़े प्रिय कवि चिली के कवि थे निकानुर पार्रा जी उनकी कविता का शीर्षक है कविताएं हमेशा अधूरी होती हैं तितलियां पूरा करती हैं उन्हें ओह बटरफ्लाईज कंप्लीट ऑल पोएम्स जैसे आपकी आ, संगीत पर आपकी बहुत कविताएं हैं जी इसलिए मैंने राग बिहाग सुनाई जी संगीत पर हैं शास्त्रीय संगीत पर हैं नृत्य पर हैं जी क्या इन जैसे राग बिहाग पर कविता लिखी आपने जी क्या आपको लगा कि राग बिहाग अधूरा रहा उसे पूरा करने को एक कविता रूपी तितली की जरूरत थी हाँ और एक ये और दूसरा प्रश्न कि संगीत आपकी कविता में कैसे आया किस हाँ। रास्ते से आया इस पर थोड़ा विस्तार में बताइए जी जी तो सबसे पहले तो आपके पहले सवाल पर कि क्या राग बिहाग के लिए इस कविता नुमा तितली की जरूरत थी तो जी हाँ बिल्कुल जरूरत थी क्योंकि राग बिहाग को शास्त्रीय संगीत की भाषा में राग बिहाग को विहंग से जोड़ा जाता है कि कोई चिड़िया है उसको गाया भी उसी तरह से जाता है तो उस जो जो शास्त्रीय गायक मंच पर भी गाते हैं तो वो अपने तान से या अपने अपने, अपने गायन से उस जो परवाज है उस चिड़िया की जो परवाज है उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं लेकिन जैसे कि चिड़िया की जो उड़ान है उसे हम कभी भी पूरा नहीं देख पाते चिड़िया हमारे सामने से उड़कर चली जाती है तो मैंने सोचा कि वो जो चिड़िया उड़कर चली गई जो राग बिहाग को एक तरह से परिभाषित करते हुए उड़कर जो चली गई तो वो वो चिड़िया उड़ते हुए क्या सोच रही होगी गायक तो अपना गायन कर रहा है लेकिन वो जो चिड़िया है जिसकी वजह से राग बिहाग गाया जा रहा है वो चिड़िया क्या सोचती होगी तो तब मुझे लगा कि मुझे ये मतलब एक मेरे मेरा मेरे मन में एक प्रोजेक्ट कई कई अधूरे प्रोजेक्ट चलते हैं उनमें से ये भी था कि मैं इस तरह से अलग अलग रागों पर कुछ कविताएं लिखूं तो ये जो है ये मेरी उन्हीं में से उस कड़ी में से एक है और मुझे लगता है कि हाँ कविताओं की जरूरत दूसरी कलाओं से भी मतलब उनको जोड़ने की जरूरत है और इस तरह की तितलियां हमें और चाहिए और अब आपने दूसरा सवाल पूछा कि संगीत उसके पहले आप कोई और कविता अपनी संगीत वाले सुनाना चाहेंगे आप बताएं अगर आप चाहें तो मैं संगीत पर कुछ कुछ जी जैसे हाँ। आपकी कविता है इसमें राग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो राग बिहाग पर था ये राग गुजरी तोड़ी पर है कि दोपहर के सन्नाटे में स्त्री विलाप करती है याद करती हुई पिछले जन्मों के सुर पिछली रात का सुंदर सपना तैरता है मृग नयनों में आंसुओं की भाप से धुंधला हो जाता है सूरज राग गुजरी तोड़ी ये कविता लिखने के पीछे भी मेरी ये बात थी कि आखिर इस तोड़ी का नाम गुजरी तोड़ी क्यों है इसे गुजर तोड़ी भी कह सकते थे लेकिन ये गुजरी तोड़ी है क्योंकि जो चूंकि मैं स्त्री हूँ तो ये तो मेरी हर कविता में नज़र आएगा ही कि एक स्त्री की नज़र क्या हो सकती है तो मैं चाहूँ या न चाहूँ मेरी सारी कविताओं में जो मेरी नज़र है और जो अंततः स्त्री की नजर है वो झलक जाती है तो वो उसी तरह से मैंने इसको गुजरी इसके पहले को आपको संगीत के बारे में बताएं जी इसी तितली का फिर भिजा करते हैं जैसे पुर्तगाल के कवि थे फर्नान्डो पेसुआ हाँ हाँ उनकी कविता है मुझे याद का शीर्षक नहीं आ रहा वो कहते हैं कि एक बार वो जा रहे थे कहीं किसी चौराहे किसी पतली सी गली से जो आगे जाके मुड़ती थी बाई तरफ को जी जी और वहां उन्होंने एक लड़की को सुंदर लड़की को गुजरता हुआ देखा बस एक झलक दिखी कुछ सेकंड के लिए और फिर वो उसकी उस याद को एक इमेज की तरह पकड़ते हैं वो तितली इत है और उसको लेके जब घर में कविता लिखने जाते हैं तो वो न तो उस मोड़ के बारे में लिखते हैं हाँ, न उस लड़की के बारे में लिखते हैं वो समंदर के बारे में कविता लिखते हैं जी तो ऐसी जैसे आपकी छवि में राग बिहाग में तो एक पक्षी आया और इसमें स्त्री आई इसमें स्त्री आई ऐसे तो जैसे ये तो यही तितली जो इसी हम बात कर रहे हैं जी इसको पकड़ने के लिए आ, क्या मतलब चेतन से आता है और चेतन कैसे करती है इसका आप कैसे हाँ अगर मैं अपनी बात कहूँ तो ये कोई बहुत चेतन प्रयास नहीं होता संगीत चूंकि बचपन से संगीत के माहौल में रही हूँ मैं तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अगर संगीत एक कोई राग सुन रही हूँ और राग सुनते हुए जो मेरा अचेतन मन है वो वाकई कुछ दृश्य पकड़ता है कुछ दृश्य पकड़ता है अचानक मुझे लगता है कि शायद मैं किसी का रोना सुन रही हूँ मुझे अचानक लगता है कि शायद मैं किसी जंगल में निकल गई हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा हरा लग रहा है और ये सारे ये सारे की सारी चीज़ें जो होती है वो उस एक तरह से संगीत पृष्ठभूमि में चला जाता है और वो सारे जो दृश्य मेरे सामने आते हैं वो आ जाते हैं और मुझे एकदम बड़ी अंदर से बड़ी इच्छा होती है कि अब मुझे इसी समय लिखना है और मैं उसी समय जैसा आपने कहा मैं उसी समय उस तितली के पीछे चली जाती हूँ और तितली जिस भी तरीके से मेरे पकड़ में आती है मैं उसे पकड़ लेती अब आप अपने परिवार के बारे में और संगीत के बारे में जी बताएंगे हाँ जी। संगीत चूंकि मेरे पिता शास्त्रीय संगीतज्ञ रहे और मेरे पिता ने मतलब मेरे पिता घरानेदार कलाकार थे वो प्रेमदास भवानीदास घराने के शिष्य रहे हैं तो बचपन से हमारे घर में वो माहौल वही था संगीत का माहौल था बिल्कुल छुटपन से हम लोगों को संगीत सिखाया गया और थोड़ा बड़ा होने पर मतलब चार पांच साल की उम्र में मेरे पिता ने ही इस बात को कहा कि इसे कथक भी सिखाना है तो इस बात पर चूंकि ये लगभग मेरी जो पैदाइश है वो उन्नीस की है तो उस जमाने में यह था कि नृत्य करेगी लड़की बड़ी होकर नृत्य मंच पर करेगी या नहीं करेगी तो तब उनका ये एक तरह से उनका विचार ये था कि अगर मैं आ, अपनी बेटी को नृत्य सिखाता हूँ तो उसकी जिंदगी में एक लय आ जाएगी वो हर चीज़ को एक आ, लयात्मक ढंग से डील करेगी और इसी विचार के साथ मुझे उन्होंने कथक भी सिखाया और संगीत भी सिखाया लेकिन हुआ ये कि चूंकि हम लोग हम लोगों ने काफ़ी आर्थिक विपन्नता में अपनी ज़िंदगी हमारा जो बचपन गुजरा मेरा वो काफ़ी आर्थिक विपन्नता में गुजरा क्योंकि पिताजी जो थे वो बिल्कुल मतलब फक्कड़ गायक की तरह थे और उनकी ज़िंदगी भी बिल्कुल यायावर की तरह थी तो उस तरह से आ, मतलब कोई बहुत व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित ढंग से हमारी शिक्षा तो हुई लेकिन बाकी जीवन जो है वो कोई बहुत व्यवस्थित रूप से नहीं चला तो कहीं ना कहीं अंदर ये था कि हमें पढ़ाई लिखाई करके और थोड़ा अपना एक करियर जिससे कि धन भी आए वो एक चीज़ दिमाग में थी और साथ में संगीत भी था साथ में नृत्य भी था तो इन तमाम तरह के घालमेल के बीच में मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और मैं इन तमाम चीज़ों को धीरे धीरे परख रही थी परखते हुए एक लंबे अरसे तक तो मुझे ये लगा कि मैं संगीत को ही परस्यू करूंगी। कविता तो वो संगीत के जरिए जितना मेरे पास आई उतनी ही आई और मैं याद कर पाती हूँ कि जैसे तमाम लोग करते हैं मैंने भी अपनी कविता की जो शुरुआत है वो सरस्वती वंदना से की तो लगभग सभी को लगता है कि सरस्वती वंदना या किसी देवी को जैसा भी देवी प्रकाश जी भी बता रहे थे कि ऐसा है तो मैंने सरस्वती वंदना लिखी लेकिन साथ में मुझे बड़ी इच्छा हुई कि मैं गज़ल पे लिखूँगी ये लगभग मैं तब नवी दसवीं में पढ़ती थी तब की बात है और चूँकि संगीत था तो मैं गज़लें भी गाती थी तो मुझे लगा कि अब मुझे गज़ल भी लिखनी चाहिए तो मैंने एक बड़ा घटिया सा मतलब लिया वो कोई वो गज़ल बिल्कुल नहीं थी और न वो सरस्वती वंदना भी कोई गीत था या कोई छंद में उतना परफेक्ट था लेकिन मुझे ये लगा कि अरे वाह ये तो किया जा सकता है ये किया जा सकता है तो फिर मैंने इधर उधर से पढ़ना शुरू किया मेरे पास उर्दू क्योंकि घर में बंगला भाषा बोली जाती थी मैं बाहर हिंदी माध्यम में पढ़ी हुई लड़की थी तो मुझे हिंदी भाषा आती थी तो मुझे लगा कि उर्दू आखिर कहाँ से सीखी जाए उर्दू सिखाने की कोई व्यवस्था मेरा जन्म जोधपुर में हुआ जोधपुर में उस समय कोई उर्दू के टीचर इस तरह से नज़र भी नहीं आते थे तो मैं क्या करती थी कि अखबारों की छोटी छोटी कतरने उस समय जो छोटे छोटे अखबार जोधपुर में स्थानीय रूप से जो निकलते थे उनमें जगह भरने के लिए वो कहीं से भी उठाकर कोई एक छोटा सा कुछ टुकड़ा कविता का या एक छोटी सी कोई गज़ल वो उसमें दे देते थे, थे और उसमें शायर का नाम भी नहीं होता था बस वो है तो वो मैं वहाँ से उठाकर अपनी एक डायरी में कॉपी करती थी मुझे तब तक ये नहीं पता कि मैं जो ये कॉपी कर रही हूँ वो शायद फैज़ हैं या वो साहिर हैं या वो फ़िराक हैं वो तो बहुत बाद में चलकर जब मैंने उस डायरी को दोबारा देखा तब मुझे पता चला कि मैंने शायद नवी में जो कॉपी किया था वो फ़िराक निकले तो इस तरह से छंद से भी मेरा जो परिचय हुआ वो गज़लों के जरिए हुआ जबकि गजल मुझे लिखनी उस समय बिल्कुल नहीं आती थी गज़ल लिखना बहुत परफेक्ट तो शायद अब भी नहीं लिख पाती हूँ लेकिन काफ़ी हद तक जो परफेक्ट गज़लें हैं वो मैंने बहुत बाद में शुरू की तो संगीत लगातार मेरे साथ बना रहा और ये तब तक बना रहा जब तक कि मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन में ले लिया कविता की तरफ जो मैं मुड़ी वो मैं बहुत अच्छे से याद कर पाती हूँ कि वो लगभग होगा सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन तब जाकर मुझे लगा कि संगीत शायद मेरे लिए शौक बना रहेगा और जो असली काम है मेरा वो कविता होगी और इसके पीछे जो कारण रहे हैं वो थोड़े से निजी भी हैं थोड़े रोमांटिक भी हैं और थोड़ा माहौल का भी है क्योंकि मैंने जिस शख्स से प्रेम किया वो कवि उस समय जो आ, हमारे यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग में उस समय आ, हम सभी चार पांच लोग मिलकर हम लोग एक शनिवार शनिवार एक गोष्ठी करते थे उस गोष्ठी से मेरा परिचय धीरे धीरे पहले गीत और गीत के बाद फिर नई कविता छंद मुक्त जो कविता है फ्री वर्स की तरफ भी मेरा रुझान गया तो ये मतलब एक नट में ये मेरी जर्नी रही जी।, जी आपने जैसे उर्दू शायरी से परिचय आपने उर्दू के शायरों को उस्तादों को याद करते हुए कुछ कविताएं लिखी मैं चाहता हूं आप में से कुछ को यहाँ पे इस पढ़ कर सुनाएं। जो छोटी छोटी कविताएं उर्दू के शायरों पर जो लिखी हैं आपने इस तरह से तो मुझे आ, तो आप देख सकते हैं हाँ। शायद इसमें होना चाहिए कुछ उनके हाँ बिल्कुल उनको उनको नजर करके कुछ चीज़ें जरूर वही मैंने वही लिखी हैं तो इसमें बेतरतीब में एक पूरा सेक्शन है जी, जी इसकी भी बड़ी दिलचस्प कथा है कि ये जो मैंने कुछ माहिए लिखे हैं तो ये माहिए भी ये क्या होते हैं थोड़ा सा हाँ माहिया एक किस्म का पंजाब का लोकगीत है जो पंजाब में पाकिस्तान में और पाकिस्तान और पंजाब एक ही चीज़ है अगर हम सीमा को उस तरह से न सोचें तो तो उस संस्कृति में जो कुछ लोकगीत हैं वो माहिए सवाल जवाब के रूप में होते हैं तो मुझे लगा कि ये जो माहिए हैं ये मैंने किसी किसी के जबान से मैंने सुना तो मुझे लगा ये तो बड़ी दिलचस्प सी बात है और इसमें मैं बहुत आ, आ, आराम से कुछ चीज़ें कह भी सकती हूँ और बहुत छोटे उसमें ये छोटी छोटी तीन तीन पंक्तियों की होती है फिर मुझे लगा कि जब मैं माहिया ही रही हूँ तो जो मेरे पसंदीदा उर्दू के शायर हैं बड़े शायर हैं तो उनको नजर करूं मैं तो उनको नज़र करते हुए ये कुछ माहिए मैंने लिखे हैं तो वैसे तो मैं ये जो माहिए है, वो मैं तरन्नुम में गाती हूं। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको तरन्नुम में ही ज़रूर। तो ये है कुछ माहिए नजर गालिब कि ये इश्क चलावा है ये इश्क़ चलावा है मारे है जिसे उस पर मरने का दावा है यश्क है फिर है नजरे कबीर कि ये देश बिराना है आते संग लग जाए एक दिन तो जाना है ये देश बिराना है और इसी तरह से आ, मैंने कुछ तीन चार पाँच और भी माहिए लिखे हैं अब लेकिन मैं वैसे ही पढ़ रही हूँ नजरे खुश रहो जी कि लो गौरी के मुख केस लो गौरी के मुख केस अब कैसे घर जाएं छोड़े क्यों करिए देश नजरे मीर कि ये उल्टी तदबीरें इनने ही लिखी अब तक सब अच्छी तकदीरें नजरे नासिर काजमी कि छत पर खोले है बाल बरसों में देखा है क्या मोहक अंदर जाल कि दिल एक समंदर है बाहर पानी पानी पर आग तो अंदर है कि जीने का यह नुस्खा खट्टे पर मीठा ले और मीठे पर तीखा और जाता ही रहा जब दिल अब किसका खंजर था और कौन भला भलाकाते तो ये जो माहिए हैं ये मैंने कुछ छोटे छोटे लिखे और जी कुछ और भी आप बताएं क्या कुछ बात में, जी जी। हाँ, क्यूंकि मुझे कहा गया कि मैं आपसे कुछ कविताएं आपकी आपके अच्छा उस पर बाद में आते हैं ठीक है जैसे आपने कहा कि उर्दू की गजल से आपको कविता से आपका जी परिचय हाँ, हुआ तरह हाँ, से अच्छे क्यूँकी गजल चूंकि चंदबद्ध होती है फिर आप मुक्त मुक्त हिंदी कविता की तरफ पढ़ी और आपने कहा कि इसी में मुझे लिखना है 80 का दशक रहा हुआ शायद शुरू का। हाँ लगभग उस वक्त हिंदी कविता में ये मुक्त छंद की कविता बहुत लोकप्रिय हो रही थी और छंद दूर जा रहा था हाँ बिल्कुल तो क्या आपको उस वक्त जब कविता लिख रही थी आप मुक्त छंद में लिखना शुरू किया जी आपका पहला संग्रह राह का किला हाँ, है वो हाँ। शायद दो हजार में आया ये 2002 में आया और हाँ ये बिल्कुल मेरा पहला है तो, वो युवा अवस्था ये कविता उसी समय हाँ उसी समय की जी तो आपको लगा आपने मतलब जैसे कहते ना मिस करना तो उस बीस सालों में आपने वो गज़ल का की जो का जो म्यूजिक था जो रिदम उसको मिस नहीं किया इनको लिखते हुए इन कविताओं को लिखते हुए हाँ ये बड़ा मतलब वाकई ये एक सवाल हमेशा बना रहा मेरे दिमाग में गजल जो जो ये ये वक्त ये जो वक्त है इस समय ये लगभग ये समय मैंने दिल्ली में गुजारा मोटा मोटी तौर पर मैंने उसको दिल्ली में गुजारा तो ये एक बड़े आ, मैं बड़ी परेशानी में पड़ गई वो वो दौर था जब एक तरह का दबाव था हालांकि मेरे लिए वो दबाव आ, बहुत ही विचित्र ढंग से मेरे पास ये दबाव आया क्योंकि दिल्ली के जो कवि थे वो उस समय न तो मुझे कवि मानते थे न मेरी कविता को सीरियसली लेते थे लेकिन मेरी जो उम्र थी उसमें मुझे लगता था कि ये लोग मुझे सीरियसली लें और दिल्ली के कवि उनसे बहुत नज़दीकी रिश्ता भी था लेकिन वो मेरी जो उपस्थिति थी, थी उसे वो आ, ये मानते थे कि जो अनौपचारिक गोष्ठियाँ थी उनमें कि ये तो संगीत के लिए हैं अजंता जो है वो सारी कविताओं पर बातचीत हो जाएगी उसके बाद अजंता जो है वो गाना गाएंगी गाना गाएंगी और वो गाना गजलें होती थी ज्यादातर तो मैं इस कश्मकश में थी कि मैं सिर्फ गाना ही नहीं गाती हूँ मैं कविता भी लिखती हूँ और वो कोई मानने को तैयार नहीं था तो इस सारे कश्म, कश्मकश के बीच में मैं बहुत अच्छे ढंग से वो गजलें उन्हीं के बीच में सुनाती थी और तरह तरह के मुझे ये भी कि वो एक्सटेंशन ऑफ पोइट्री है ये जो सुना रही है ये मतलब बड़ी अद्भुत है और मैं इसमें पढ़ती थी कि नहीं मैं शायद कुछ अद्भुत कविता भी लिख रही हूँ उस पर भी किसी की नजर जाए तो वो जाती नहीं थी तो ये जो जो आप बता रहे हैं राख का किला मेरे संकलन में तो मेरी उस समय ये एक मतलब ये अब मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन मेरी उम्र कम थी तो मैं उस मान्यता को लेने के लिए मैंने चंद मुक्त कविताएँ लिखी। हालांकि मान्यता मुझे फिर भी नहीं मिली लेकिन बावजूद उसके मैं वो लिखती रही और इस कोशिश में रही कि किसी तरह से लोग मान जाएं और दिल में ये बात थी कि नहीं छंद तो बड़ी अद्भुत चीज़ है उसे मुझे छोड़ना भी नहीं है तो ये बहुत 20 साल का जो वक्फा था वो इसी में गुजरा जी। आपने बड़ा दिलचस्प फ्रेज इस्तेमाल किया दिल्ली के कवि दिल्ली के कवि जी तो हिंदी के कवि और दिल्ली के कवि में क्या फर्क बताइए <laughs> सबसे बड़ा सबसे बड़ा फर्क जो मुझे समझ में आता है वो ये चंदी है क्योंकि जब मैं स्थानीय कवि है ना यही तो फर्क है दिल्ली के कवि और स्थानीय कवि और बड़ी विचित्र बात है कि जो जैसे मैं सरकारी नौकरी में थी तो अगर मेरी पोस्टिंग दिल्ली में है तो मैं दिल्ली की कवि हूं और अगर मैं मेरी पोस्टिंग जयपुर हो गई तो मैं स्थानीय कवि हो गई तो एक तो मैं लगातार कई बार स्थानीय बनी कई बार दिल्ली की बनी कई बार स्थानीय बनी कई बार दिल्ली की बनी तो लेकिन जो बिल्कुल परमानेंट बाशिंदा थे दिल्ली के जो दिल्ली के ही कवि थे तो दिल्ली के कवियों की एक बहुत बड़ी खासियत ये थी कि वो ये मानते थे कि ये सब कुछ जो पूरा जो कविता का जो संसार है इसके वो नियामक हैं जी वो नियंता है और उन्हें ये जो शक्ति थी ये जो पावर था ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये स्थानीय कवि ही वो मुहैया करवाते थे तो दिल्ली के कवि और हिंदी के कवि इनमें दिल्ली के कवियों पर उस समय यह था कि छंद का बिल्कुल बहिष्कार किया जाए छंद का बहिष्कार करके ही आप दिल्ली में सरवाइव कर सकते थे और चूंकि मेरी पोस्टिंग वहां पर थी और कल्पित की भी थी तो कल्पित कृष्ण कल्पित अजंता जी के पति हैं वो भी हिंदी के बड़े कवि हैं इसलिए हाँ, हाँ पति हैं साथी हैं और कवि हैं वो एक अलग किस्सा है जो शायद बाद में अभी बातचीत बात में निकलेगा तो हम हमारी तब ये पूरी की पूरी जो ये मैं मतलब जानबूझकर हम शब्द इस्तेमाल कर रही हूं कि ये हम दोनों का ही संघर्ष था कि अगर दिल्ली में सरवाइव करना है तो छंद को भूलना पड़ेगा तो हमने छंद को भूलने का नाटक किया जी वहाँ सरवाइव करने के लिए चंद को भूलने का नाटक किया और जब मेरे मेरी पोस्टिंग जयपुर में हो गई तो मुझे लगा कि मैं उससे थोड़ी सी मुक्त हो गई हूँ मुझे वैसे भी कोई कवि नहीं मान रहा था तो मुझे लगा अब मुझे चंद में लिखना चाहिए तो मैंने चंद में काफ़ी सारा कुछ लिखा और इसी तरह से मेरी कविता जो है वो मुझे लगता है कि और आगे बढ़ी और उसी का नतीजा शायद आ, आप आपसे बाद में इस पर बात होगी उसी का नतीजा जो है वो बड़ा एक विचित्र घालमेल में फिर मैंने नगर वधु की आत्मकथा लिखी जी अभी दिल्ली के कवि वाले को थोड़ा और जी, आगे जी, करते जी, हैं। जी 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 कब <laughs> का हाँ. तो हुआ ये, ये काबिज हो गए हुँ. दिल्ली का कवि तो मिर्जा है उसकी जगह पर काबिज हुए कोई ऐसा कालखंड रहा होगा आ नहीं इसको तो मैं ठीक से नहीं पकड़ पाऊंगी क्योंकि मैंने तो उनको जाना ही दिल्ली के कवि के रूप में है इनको आ, हमारे एक और प्रचित दिल्ली से भी छोटा कर देते हैं आईटीओ पुल का कवि कहते थे बिल्कुल 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 जी सही है जी बताइए इसमें बहुत ज्यादा मतलब मैं जोड़ नहीं पाऊंगी किसी चीज को क्योंकि जब मैं दिल्ली गई क्योंकि उससे पहले तो हम लोग स्थानीय कवि थे ही तो जब मैं दिल्ली गई तो सीधे ही वो उन्हीं चरित्रों से मेरा सबसे पहले सामना हुआ और वो लोग आ, मतलब एक कैसे बोलूं मैं मैं एक नाटक के दृश्य की तरह इसको देखती हूं कि जैसे मान लीजिए एक छोटा व्यक्ति है और उस पर प्रकाश डाला जाता है तो उसका उसकी बहुत बड़ी शैडो बनती है जी. तो मैं दिल्ली के कवियों को वो शेडो पोइट के हिसाब से मैंने उनको देखा मतलब मेरा जो पहला इम्प्रेशन था और ये जो सवाल आपने पूछा कि ये कब बने तो इस सवाल का मेरे पास कोई ठीक से जवाब नहीं है मैं तो तब भी गालिब को ही दिल्ली का कवि मानती थी तब भी मैंने उन गालिब को ही माना और अब भी मानती हूँ और बाद में बहुत बाद में जब मेरी काफ़ी उम्र हो गई तो तब ये सारा भ्रम भी छट गया मेरे दिमाग से और बाद में मुझे पता चला कि अगर मैं छंदमु कविता भी लिख रही हूं तो भी शायद मैं उन लोगों से बेहतर लिख रही हूँ जी, जी, जी. तो जब मुझे यह लगा कि मैं उन लोगों से बेहतर लिख रही हूँ तो फिर वो सारा मलाल भी जाता रहा और यह भेद भी खुल गया कि ये दिल्ली के कवि जो हैं वो एक खास विचारधारा की वजह से और उस विचारधारा की डोमिनेंस की वजह से वो दिल्ली के कवि का जो चरित्र है वो उभर कर आया था जैसे आपने आपने शुरू में कहा कि कि वो नाटक इसलिए किया कि आप चाहते लोग आपको स्वीकार करें कवि के रूप में हाँ, बिल्कुल और ये कोई भी युवा कवि लिखने वाला जब भी अठारह बीस पच्चीस साल का होता है तो हाँ। उसको होता है कि मैं लिखू और उसको लोग हाँ, स्वीकार करें जी। तो इस तरह से आपके समय को दिल्ली के कवियों ने एक तरफ का अपहरण किया कर लिया किडनैप कर लिया आपको जी किडनैप बच्चे को सुला दिया हाँ तो वो तो अभी भी शायद चल रहा है काफी इसमें हाँ बिल्कुल चल अब मैं फिर उसी कवि को लेकर ले, ले आता हूँ निकंदर पार्रा को पार्रा की एक छोटी सी कविता युवा कवियों से वो कहते हैं उसमें कि जैसा चाहो लिखो आ, पसंद आए जो शैली अपना लो पुल के नीचे से बह गया है इतना पानी मुमकिन नहीं यह मानना कि एक ही रास्ता सही है फिर आखिर में कहते हैं कि इतना करना है कि कोरे कागज को बेहतर बना देना है यह एक बड़ी खुली सी डेमोक्रेटिक सी बात थी अब मैं चूंकि पहले मैंने इसको सोचा था कि इसको एक हम वैसे करेंगे एक बड़े फॉर्मेट के हिसाब से अब चूंकि बात यहां जा रही है तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे कोई अभी यहां भी कुछ यंग लोग होंगे युवा लोग होंगे जो कविता लिखना चाहते होंगे आपने वो पंद्रह बीस साल वो दौर गुजारा जहां आपको नाटक करना पड़ा और उस वजह से शायद बहुत सारी आपकी कविता को नुकसान पहुंचा होगा बिल्कुल बहुत नुकसान पहुंचा होगा बिल्कुल बिल्कुल कि वो नुकसान न पहुंचे और दिल्ली का कवि तो एक एक ठप्पा है हाँ। वैसे कभी हर जगह होती है यहाँ के भी शायद मेरे ख्याल बंगलौर के कभी भी होते होंगे मद्रास के कभी हाँ। भी होते होंगे वो एक एक तो एक चरित्र है तो एक युवा है जो कविता लिखता है उसके लिए कोई खास

जैसा कि देवी जी ने कहा कि किसी भी किस्म का गाइडेंस देना तो झूठी बात है वो उसमें कोई दम नहीं है उस बात में लेकिन हाँ मेरे जो अनुभव हैं उनको अगर मैं उनके सामने एक तो मैं क्या करती हूँ कि मैं युवा लोगों के सामने अपने अनुभव बहुत खुलकर बोलती हूँ कि ये ये तकलीफ़ें हैं इसके लिए तैयार रहना चाहिए जो मैं अपनी अब मैं मानती हूँ कि मेरी कमज़ोरी है कि मैंने आ, मान्यता पाने के लिए अपना रास्ता थोड़ा सा बेमन से ही सही थोड़ा सा मैंने अपना रास्ता बदला तो वो रास्ता न बदलें उनको जो ठीक लग रहा है वो करें मान्यता उनकी कविता ही उनको दिलाएगी क्योंकि जैसे आज भी आज भी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम की कवि के रूप में नहीं पाती हूँ मैं मेन स्ट्रीम में नहीं हूं लेकिन फिर भी इतना तो इतने 40 सालों में रगड़ कर मैंने अपने आप को यहाँ तक तो पहुँचा ही दिया है कि आप बहुत ज़्यादा मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो चाहे वो कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से हो तो उपेक्षा भी संभव नहीं है और संभव वो मानना भी नहीं चाहते हैं वो मतलब ये एक पूरा आ, सीन ऐसा ही बनता है ऐसा ही दृश्य बन रहा है तो मैं ये कहूंगी कि इसकी ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए मैंने अपने जो लगभग पंद्रह बीस साल जो हैं, वो थोड़ा इस चिंता में मैंने गंवा दिए वो ये युवा लोग न तो उस दौर के बीच जाने के बाद आपकी जो ये छोटी सी पुस्तिका आई जी, जी एक नगर उद्योग की आत्मकथा जी मेरा आपसे पहला परिचय और इसमें चूंकि छंद तो बहुत कम है छंद हाँ, और छंद है भी जैसे आपने कहा कि बीज की कोई चीज है जो हम कल कह रहे थे वो अंधेरे उजाले के बीच की चीज है जी। और उसने मुझे दो तरह से हक पकाया हक पकाया एक तो उसकी भाषा ने कि क्या ऐसी भाषा भी हिंदी में लिखी जा सकती है और फिर चूंकि महिला लेखिकाओं को लेकर के एक खास तरीका मेरे अंदर एक पूर्वाग्रह था क्योंकि जो महिला लेखिकाएं लिख रही थी महिलाएं जो लिखती थी जो कवित्रे खास पर जी। वो सिक्सटीज सेवेंटीज के जो यूरोपियनिस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित थी और हमें ऐसा लगता था कि वो बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं उन्होंने वो सतह की झाग को उलझती थी और बड़ी घटिया कविताएं होती थी असल में <laughs> तो उस फेमिनिज्म के पसमंजर में आपने जो कविताएं लिखीं वो घनघोर भारतीय फेमिनिस्ट कविताएं हैं जी। बहुत शानदार कविताएं जी, हैं तो एक तो पहले तो मैं चाहूंगा कि आप उसमें से कुछ कविताएं थोड़ी सी कविताएं आप सुना दें और ये मेरे ख्याल से पहली बार आप मंच पे इनको सुनाएंगे शायद और जी, ये अरुंधति का भी मन है कि इनको आप सुनाएं फिर तो इन पर बाद में थोड़ा और बात करेंगे प्लीज ये जो इसे मैं ये नगर वधू की आत्मा एक तो आप इस बुकलेट को दिखा दीजिए कि मैंने ऐसा कविता संग्रह भी कभी पहले नहीं देखा था इस साइज का <laughs> ये कलेक्शन का था और इस पर भी हम बात करेंगे कि ये इस तरह से क्यों छपी ये सब कुछ ही, ही मतलब अपने आप में कई तरह की चीजों को बताने वाला है ये छोटी सी पुस्तिका जो है ये इसमें तेईस छोटी छोटी कविताएं हैं लेकिन मैं इसे एक कृति के रूप में देखती हूँ कि इसको लगातार पढ़ना है इसमें से एक दो कविताएं सुनाने से कोई फायदा नहीं है और ये अवसर मुझे पहली बार इस मंच पर मिला है कि मैं इस पूरी नगरवधु की आत्मकथा को मैं सुना सकूँ और इसकी शुरुआत होती है इसकी छोटी छोटी कविताएं हैं छोटे छोटे इसके शीर्षक हैं थोड़ा सा मैं बता देना चाहती हूँ इसके बारे में कि ये जो चरित्र है नगरवधू मुझे हमेशा से जो भारतीय परंपरा में जो नगरवधू का जो चरित्र है वो बड़ा मतलब हमेशा खींचता रहा है कि वो मुझे कभी भी कमज़ोर या इस तरह की नहीं लगी वो बड़ी सशक्त एक स्त्री के रूप में मेरे सामने बचपन से रही है तो मुझे लगा कि मैं अगर किसी किसी सशक्त स्त्री की कल्पना करूं तो वो शायद नगरवधु हो तो मेरा मिथ्यालय आमंत्रण निमंत्रण नहीं अनायास खींच लेता है अपनी ओर मेरा मिथ्यालय श्रेष्ठ जनों के बीच यही रचा जाता है कलाओं का महारास मेरे द्वार कभी बंद नहीं होते ये खुले रहेंगे तुम्हारे जाने के बाद भी दूसरी विपरीत रसायन कि स्त्रियां नहीं बन सकती शराबी यह कहा होगा कवि ने मेरे हाथ से पीकर अगर बन जाती स्त्रियां शराबी तो पिलाता कौन मेरे प्याले भरे हैं मद से केसर कस्तूरी झलझला जल रही है मणिसी, कीमियागर की तरह मैं मिला रही हूं दो विपरीत रसायन विस्फोट होने को है मैं प्रतीक्षा करूंगी तुम्हारे डगमगाने की फिर एक माहिया छोटा सा कि ये अब्र पुराने हैं बरसेंगे यही आकर मेरा घर जाने हैं इंद्रजाल कि पूर्ण चंद्र के झुटपुटे में मेरी नकबेसर का नगीना बुन रहा है किरण जाल छत पर छा गया है धुंधला स्वप्न लोक मेरी अधबनी कबरी अध खुले अधर मेरे अस्फुट प्रलाप सौंदर्य का यह मौन विस्फोट अब कहां संभव मुक्ति प्रसंग भोर होने तक यूं ही तना रहेगा इंद्रजाल फिर गजल के रंग में कि रात अंधेरी तारे गुम इस पल सबसे प्यारे तुम जितना हमसे दूर हुए उतने हुए हमारे तुम घास फूल चिड़िया आकाश सब में नदी किनारे तुम अनजाने में जीत गए जान बूझ कर हारे तुम और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मेरे पंज प्यारे तुम और फिर अब इसका जो खंड शुरू होता है वो एक तरह से मेरे दिमाग में ये कलाओं को लेकर है जितनी भी चीजों को कला के रूप में देखा गया है तो उसमें पाक कला भी है नृत्य कला है काम कला है इसी तरह से संगीत है तो यह है राम रसोई कि तुम्हारी जिह्वा ठाव कुठाव टपकाती है लार इसे काबू करना तुम्हारे वश में कहा तुमने चख लिया है हर रंग का लहू परंतु एक बार आओ मेरी राम रसोई में अग्नि केवल तुम्हारे जठर में नहीं मेरे चूल्हे में भी है यह पृथ्वी स्वयं हांडी बनकर खदबदा रही है केवल द्रौपदियों को ही मिलती है यह हांडी पांच पतियों के परम सखा से कैवल्य कि झुलनिया के एक आघात से पहुंचाऊंगी पाताल सुलाऊंगी शेषनाग के फन पर डोलेगी धरा डोलेगी तुम्हारी देह मेरी लय पर कभी पैंजनिया कभी पायलिया झंकारेगी परंतु कोई नहीं आएगा इस एकांत में जिसे रचा है मैंने अंधकार के आलोक से रुको नहीं चले चलो भय नहीं केवल लय मैं नहीं तुम कहोगे कैवल्य तो मैंने तो गढ़ा है इसे मैं जानती हूं इसका मामूली अर्थ मैं हर रात यह प्रदान करती हूं तुम्हारा हृदय क्या तुम्हारा हृदय तुम्हारा है अब भी जबकि तुम्हारे सामने मैं हूं जो अलग पलक चुरा लेती है हृदय ही नहीं संपूर्ण पुरुष सप्तपदी में ऐसे ही नहीं कहती धर्म पत्नी यदि अंग हृदय अंग तव तदि अंग हृदय मम उसे हर युग में आना पड़ता है मेरे पास प्राप्त करने तुम्हारा हृदय रंग महल कि तुम्हारी कल्पना से ही चुराती हूं अपना रूप बन जाती हूं हर बार वैसी जैसा देखना चाहते हो और तुम समझते हो मुझे विधाता का अपरूप उपहार जितने ध्यान से देखती हूं तुम्हें उतना निखारती हूं अपनी आकृति तुम मेरे दर्पण हो जानती हूं तुम्हारा हृदय नहीं झेल पाएगा यह कपट दीपक की लौ पर रखी तश्तरी की तरह धीरे धीरे काला पड़ जाएगा जो बाद में कभी बनेगा मेरी आंखों का काजल अगर स्त्रियों के आंसुओं से बनी शराब का जवाब नहीं है तुम्हारे पास तो अवश्य ही तुमने चख लिया है उनमें तैरते काजल का स्वाद यूं ही कभी हठात मत चले आना मेरे रंग महल में जैसे आया था भर्तृह सा जोगी और देखकर मेरी निष्प्रभ आंखें फीके अधर पीली त्वचा और उजड़े केश कह गया था हाय प्रातः नभ का चंद्रमा अन्य जीवन से किस लोक के कारीगर हो कि रेशे उधेड़ कर अंतरिक्ष के बुना है पटवस्त्र और कहते हो नदी सा लहराता दुकूल होगा नदी सा पर मैं नहीं पृथ्वी सी कि धारण करूं यह विराट अंशिला चादर कर्म फल की तरह मुझे तो चाहिए एक पोशाक जिसे काटा छाटा गया हो मेरी रेखाओं से मिलाकर इतना सुचिक्कन कि मेरी त्वचा इतने बेल कि याद ना आए हतभाग्य पतझर सारे रंग जो छीने गए हो अन्य जीवन से इतना जीना जितना नशा इतना गठित जितना षड्यंत्र मैं हर दिन बदलती हूं चोला श्रेष्ठ जनों की सभा में आत्मा नहीं हूं मैं कि पहने रहूं एक ही देह मृत्यु की प्रतीक्षा में त्रिभंग नृत्य कला कि हर कोई वही देखता है जिस और संकेत करती है मेरी अंगुलियां और मैं उत्तान बाहे फैलाए रह जाती हूं त्रिभंग हंसनी मयूरी या मृगी इन्हें क्या देखना यह तो नहीं जानती स्वयं को कौतुक से देखती रहती है मुझे जब मैं दिखाती हूं इनसे भी अद्भुत इनकी ही भंगिमा अपसराएं आती है मेरी सभा में सीखने वह दिव्य संचालन प्रेम प्रारंभ में दो देहों का नृत्य ही तो है सत्याभास कि सब कुछ समझकर आते हैं दर्शक गण मेरी इच्छा पर हंसने रोने जानते हैं अभिनय है मानते हैं जीवन पहचानते हैं मुझे परंतु स्वयं भी अभिनेता बनकर छल करते हैं नहीं जानने का हम सब मिलकर कर देते हैं वह जो कभी नहीं हुआ घटित कर देते हैं घटना जो कभी नहीं होगी मैं रचती हूं सत्याभास वे देते हैं विश्वास का भ्रम मैं बोलती हूं संवाद जो बोले जा सकते होंगे किसी अन हुए जीवन में भूत वर्तमान और भविष्य से परे किसी चतुर्थ काल में मूर्ख बनने का अद्भुत स्वाद लेने सभागार में आते हैं श्रेष्ठ जन जो बनता है सबसे अधिक मूढ़ कहलाता है सर्वाधिक विद्वान सभागार के बाहर जीना आवरण कि तुम्हें कोई नहीं पहचानता ये यह, यहां से फिर इस कृति में एक मोड़ आता है कि ये सब कलाएं हैं उसका दर्प भी है उस स्त्री में लेकिन उसके जीवन में शायद प्रेम नहीं है तो यहां से एक मोड़ आता है आवरण। तुम्हें कोई नहीं पहचानता श्रेष्ठ जनों के बीच तुम हर दिन रहते हो उपस्थित मगर तृष्णा न तिरस्कार मेरे लिए कुछ नहीं तुम्हारे पास और मेरे पास जो है उसकी तुम्हें नहीं है आवश्यकता एक असंभव को संभव करने की इच्छा के साथ प्रारंभ होती है अब मेरी दिनचर्या श्रेष्ठ जन पुलकित रहते हैं इन दिनों मेरी कला की अतिरिक्त कलाओं से वे आतुर हैं जानने को कि सूर्य की किरणों को भी विभाजित करने वाला एक नगण्य कांच का टुकड़ा किस उपेक्षित कोने में पड़ा है रहने दो यह जीना आवरण तुम मेरे रहस्य हो युद्ध न संधि मेरा हर क्षण बीतता है आमने सामने मैं और हवा होते हैं सम्मुख बन जाता है प्रलयंकारी चक्रवात सामना करते हैं जल और मैं समुद्र की तरंगे तट छोड़ देती हैं मेरे और मेघों के घर्षण से प्रकट होती है दामिनी सुलग उठती है लकड़ी की तरह सूखी लालसा पर आश्चर्य नहीं होता कुछ भी जब मेरे सामने होते हो तुम न युद्ध न संधि इस तरह बीतता जाता है वह क्षण जैसे ठोकर के बाद का संतुलन इसी क्षण ढल जाता है सूर्य बजने लगता है युद्ध समापन का तूर्य युद्ध का कारण याद नहीं आता योद्धा को कौंध जाता है इसी क्षण एक स्तब्ध पराक्रम ध्वस्त करता हुआ अभ्यास के कौशल को अलग अलग कि न दुर्गम गिरी न अगम अरण्य न वनचर निशाचर मेरे प्रियजनों की क्रीड़ा स्थली मेरा उपवन बनाया है अपने हाथों गिना हुआ है पत्ता पत्ता देखता है मेरी दिशा में सूर्यमुखी लताएं लूम जाती हैं मुझे देख पुष्प झड़ते रहते हैं मेरे स्वागत में शुष्क पत्रों को हवाएं खींच ले जाती हैं कि मेरे सम्मुख रहे केवल हरितिमा ग्रीष्मादि वर्षादि और वसंतादि ऋतुएं निशब्द रहती हैं कार्यरत वे हैं मेरी वनमाली तब भी क्यों यह सुगंध यह बयार नहीं जाती बाहर इसी प्रांगण में रुद्ध रह गई संपदा निर्विकार वातावरण फिर भी घेरे है पृथ्वी को तुम्हारे पदचाप गूंजते हैं उपवन के बाहर जाते हुए तुम्हारी देह छूकर आई हवा उलझी रह जाती है लताओं में मेरी और तुम्हारी ऋतुएं आती हैं अलग समय और काल में एक युग में रहकर भी कितनी भिन्न है काल चक्र की गति क्यों नहीं एक ही ध्वनि से चौंक उठते हैं हम दोनों क्यों अब भी हम पहचाने जाते हैं अलग अलग पक्षी या प्रस्तर किसकी शरण जाऊं प्रार्थना करूं किससे अब किसका अनुकरण करूं कौन सी ऐसी विकट साधना कि मेरा जीवन मेरी तरह न रहे कि मैं कुछ भी करूं वह किसी और का लगे किसी पक्षी या प्रस्तर का समुद्र या पवन या फिर दीप पर मंडराते कीट सा कोई भी प्रयास छोड़ा नहीं साध ली सारी कलाएं फिर भी मेरा जीवन मेरा ही रहा तुम चले गए तुम्हारी तरह मैं देखती रही मेरी तरह किसी ने बुलाया तुम्हें सिंह या मृगी नहीं आर्तनाद या चीतकार नहीं प्रेम की अवाक पुकार पर सरल रेखा की तरह खिंचते चले गए बिना किसी शैली के मेरी स्याही कि सारे उपादान उपस्थित हैं मैंने ले लिया है एकांतवास प्रहरियों ने कर लिए हैं द्वार बंद विघ्न का कोई अवसर नहीं कलंक से भी अधिक कालिमा है मेरी स्याही में अपमान से अधिक तीखी है नोक कलम की प्रशंसा से अधिक चिकना है कागज मंत्र बिद्ध की तरह मुग्ध हूं स्वयं की प्रतिभा पर फिर भी क्या है जो रोक रहा है मुझे न भूतो न भविष्यती रचने से क्यों अक्षरों के घूम लगते हैं भूल भुलैया से यह कौन सा तिरक कोण है जहां अपनी ही आंख दूसरे की हुई जाती है और लीला लीलामय तुम्हें देखे बिना चैन नहीं किंतु देख सकूं तुम्हें पूरा मेरे पास ऐसे नैन नहीं मन के पट पर रेखाओं का खेल कितनी तुलिकाओं और रंगों से खेला गया स्वार्थ के काले से ईर्ष्या के हरे तक प्रेम के लीला में लाल और वैराग्य के गेरू तक अंगुलियां डुबो दी मैंने इंद्र के गाढ़े धनुष में पर हाय जब भी चाह बनाना चित्र बन गया विचित्र आलाप सप्त ऋषियों की गोद में बैठते हैं मेरे सुर शिशुओं की तरह हर रात जिनका जन्म होता है और ब्रह्म मुहूर्त में मुक्ति मेरी डाल पर बैठने वाला हर पक्षी मुझे कुछ देने को बाध्य है कोयल से काग तक मेरे बुलाते ही आना पड़ता है उन्हें मेरे कंठ में जब होता है मूर्छा गायन सृष्टि स्तब्ध रह जाती है तारामंडल खिसक जाता है अंतरिक्ष में मेरी गमक की प्रतिध्वनियों की प्रतिध्वनियों से परंतु इन दिनों तुम्हारा ध्यान किस ओर लिए जा रहा है मुझे यह गायन किसका है ख्यात अख्यात भाषाओं ज्ञात अज्ञात सुरों में मैं निरंतर टेर रही हूं तुम्हें आलाप मध्यम होते होते बदल गया है प्रलाप में काल के पखावज की थाप से विलग हो गया है मेरा गान लय की डगर छोड़ सांसे प्रलय की सांसे बुन रही है तुम आ जाओ कि जीवन सम पर आ जाए काम के लिए क्या किया मैंने शैशव से यौवन तक किया जो भी वह उपस्थित था धरती पर पहले से चपल मुद्रा चतुर स्वभाव झीना छल मिला सदैव अपने आसपास वह जो साधा गया सायास क्या नहीं था प्रकृति में अनायास रंगों की इतनी छायाएं ये प्राणवंत प्रतिमाएं फिर भी मेरी यह दुर्दांत धृष्टता सृष्टि की आदि कला को मैंने संवारा कितने श्रृंगार कितने कपट से फिर भी अंत में बच गई केवल काम के लिए मूक पशुओं से सीखी एक कला रंग है री कि कैसी आंधी चली होगी रात भर की उड़ रही है रेत ही रेत अब तक असंख्य पद चिन्हों की अल्पना आंगन में धूम्र वर्णी व्यंजन सजे हैं चौकियों पर पूरा उपवन श्वेत हो गया है निस्तेज सूर्य के सामने उड़ रहे हैं कपोत युवतियां घूम रही हैं खोले हुए धवल केश वातावरण में फैली है वैधव्य की पवित्रता कोलाहल केवल बाहर है आज रंग है रीमा रंग है रंग हेरी है अनिकेत कि इसे कभी महल कभी प्रासाद कहा गया छत को असंख्य हाथों ने संभाला विशाल खंभों की तरह यह खड़ा था नेव के सहस्र पदों पर शताब्दियों तक टपकने के बाद चूना झंझाओं से टकराकर चूर चूर चट्टान मेरे महल की भित्तियों के लिए कितनी कुल्हाड़ियां कितनी चोटें लकड़ी के एक खंड पर कितनी आरियों का दिन रात आवागमन तब कहीं कक्ष के दो जोड़े किवाड़ कितने अधिक श्रम पर यह मेरा विश्राम था पर यात्राएं अभी और थी प्रस्थान का हो चुका है समय सभी कक्ष बंद किए जा रहे हैं खुला है केवल एक अकेला द्वार बाहर नक्षत्रों की खचाखच है पीछे बंद होती साकल की धातुई ध्वनि अब मैं अनिकेत हूं और अंत में अर्ध समाप्त जीवन क्या यही मृत्यु है जबकि सब कुछ रह गया पहले सा मैं भी मेरा जीवन भी रह गया लोक स्मृति में आशा रह गई पुनर्जन्म की खीज रह गई कुछ नहीं पाने की शरीर गया पर रह गया अशरीर पृथ्वी रह गई विहंगम कोण से दिखती हुई रह गई पिपासा जो नहीं मिटेगी जल से क्षुधा स्वयं को खा रही है निद्रा घेर रही है चेतना को महास्वप्न में दिख रहा है तुम्हारा चेहरा मेघ में आकृति की तरह अनहद के पार से पुकार रही हूं तुम्हें चातक की तरह नहीं अपनी तरह मृत्यु भी पूर्ण नहीं कर सकी एक अर्ध समाप्त जीवन मेरे ख्याल से हमारे पास समय की सीमा है मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना था जैसे आपकी कविता युद्ध बहुत सारा है युद्ध की स्मृतियां बहुत सारी हैं कविता आपकी बहुत सारी है मुझे आपसे इसमें नोट्स बना के लाया था जी जी लेकिन आ, शायद हाँ इस आपसे बात इस... करने को मेरे से कुछ दिन चाहिए होंगे <laughs> मुझे आपसे पूछना था कि आ, अपनी कविता के लिए आप कच्चा माल कहाँ से इकट्ठा करती हैं उस पर कैसे क्या प्रोसेस होती जी. है क्या प्रक्रिया होती है मुझे आपसे ये पूछना था कि कविता आज के समय में क्या कर सकती है जैसे एक उदाहरण है कि वो इसराइल के कवि हैं यहूदा मिखाई जिनकी डेथ हो गई आप मृत्यु हो गई इसराइल हमेशा युद्ध में रहता है तो वहाँ और बहुत कम लोग उनकी भाषा बोलते हैं उनके जब वो जब जीवित थे तो जब वो कविता पाठ करते थे तो पंद्रह हज़ार लोग करीब वहाँ पे होते थे और मैं जिस इलाके से हूँ उत्तराखंड के जी। उसके पास में एक शहर है कसार जगह है कसार देवी वहाँ पर विदेशी लोग पिछले पचास साठ साल से आ रहे हैं पहले हिपियों काटा था अब वहाँ पिछले बीस साल से इसराइली बच्चे आते हैं यूनिवर्सिटी के छात्र आते हैं और हर साल सौ पचास बच्चे वहाँ रहते हैं महीनों तक रहते हैं तो वो सारे बच्चे उनके पास यहूदा में कई किताब होती है एक कवि की किताब लेके बच्चे घूमते हैं तो उनसे मैंने कई बार पूछा है तो उनके बैग में दो चीजें होती है यूनिवर्सिटी में एक बंदूक होती है और एक यहूदा में कई किताब होती है आज भी आज भी तो कविता ऐसा भी कहीं कर सकती है मुझे आपसे ये भी पूछना था मैं अभी नहीं पूछूंगा और बहुत से सवाल थे अभी जाने से पहले इसको खत्म करने से पहले आप कोई बात जो कहना चाहेंगे इसके बाद हम सत्र को समाप्त करें मैं क्या कहना चाहूंगी और कोई बात जी और कोई बात हाँ बिल्कुल ये सारे सवाल रह गए कि युद्ध बल्कि हाँ बल्कि मैं युद्ध पर ही बात खत्म करना चाहूंगी क्योंकि कविता अंततः मुझे लगता है कि किसी भी किसी भी तरीके से लिखी जाए छंद चंद, में लिखी जाए चाहे वो छंद मुक्त लिखी जाए वो युद्ध में है और मेरी कविताओं में जो युद्ध की आ, युद्ध की छवियां हैं वो सब भी हमें बात करनी थी तो उतने विस्तार में न जाकर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हाँ कविता जो है वो एक तरह का एक एक, एक, एक अनवरत युद्ध है वो चाहे अपने अंदर की लड़ाई हो या वो बाहर की लड़ाई हो और मेरी बड़ी इच्छा है मुझे पता है कि ये इच्छा शायद मेरी पूरी नहीं होगी लेकिन मेरी बड़ी इच्छा है कि कम से कम पंद्रह हज़ार न हो तो 150 युवाओं के पास उनके थैले में मेरी भी किताब हो ये मेरी बड़ी इच्छा है और साथ में बंदूक भी हो धन्यवाद